आज हम विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, उसके तरीके और उसकी तकनीक के बारे में जानेंगे और जानेंगे हम कि किस तरह से ये प्राणायाम आपके लिए लाभदायक है। तो प्राणायामों का अभ्यास शुरू करने से पूर्व हम प्राणायाम के प्रकार और उसके लाभ के विषय में आपको बताएंगे। तो पहले हम उज्जायी प्राणायाम के विषय में जानेंगे और उसको समझेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। उज्जायी प्राणायाम, जिसको कि हम ओशियन ब्रीदिंग भी बोलते हैं, तो उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है कि जब आप उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उस समय आपको अपने कंठ को, अपने थ्रॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, संकुचित करके रखना है और अपनी दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है। गले पे घर्षण होते हुए श्वास अंदर जाएगी और इसी तरह से पुनः श्वास बाहर भी आएगी उज्जायी प्राणायाम के अभ्यास को करते हुए। अगला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको कि हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। इस प्राणायाम को करते समय आपको अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाई नासिका से श्वास भरना है और दाई नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। फिर आपको अपनी दाई नासिका से श्वास को भरना है और बाई नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। ये इसका एक चक्र हुआ और आप इसको 5 से 10 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर में आपके ऊर्जा को संतुलित बना करके रखता है। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम जिसको कि हम बेलो ब्रीदिंग भी बोलते हैं, इस प्राणायाम को करते समय योग साधक को तेजी से नासिका से श्वास भरना है और तेजी से छोड़ना है, रैपिड ब्रीदिंग करनी है, लंबा गहरा श्वास तेजी से भरना है और उसको छोड़ना होता है। इस प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए और आपके ऊर्जा को शरीर में बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम, जिसको कि हम स्कल शाइनिंग ब्रेथ भी बोलते हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते समय आपको केवल फोर्सफुली एक्सहेलेशन पर ध्यान देना है, केवल श्वासों के छोड़ने पर ध्यान देना है। इस प्राणायाम को करते समय ब्रीदिंग पैसिव रहती है, श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना है, केवल छोड़ने पर ध्यान देना है। कपालभाति ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से करना है, इसको हम कूलिंग प्राणायाम भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें शीतलता प्रदान करता है। तो आपको अपनी टंग को, अपनी जिह्वा को एक पाइप की तरह रोल करना है और उसमें से श्वास को भरना है, यानी कि पाइप की तरह अपनी टंग को फोल्ड करके उस पाइप से श्वास को अंदर भरना है अपने मुंह से और नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। यह प्राणायाम आपके शरीर में शीतलता को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम के लिए, हाई बीपी की प्रॉब्लम के लिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। अगला प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम, यह प्राणायाम भी ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास किस तरह से करना है कि आपको अपने दांतों को मिलाकर रखना है, ऊपर के दांतों को भी और नीचे के दांतों को भी आपस में मिलाकर रखना है और अपने होठों को खोल करके दांतों के बीच से श्वास को भरना है और फिर नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। यह प्राणायाम हमारे शरीर को शीतलता देने में बहुत ही लाभदायक है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, एसिडिटी को, हाइपरटेंशन को दूर करने में ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जिसको कि हम हनी बी ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो किस तरह से इसका अभ्यास करना है, इसका अभ्यास आप षडमुखी मुद्रा के साथ कर सकते हैं।
कि अपने कानों को अपने अंगूठों से बंद करें, अपने इंडेक्स फिंगर को अपनी आँख के ऊपर रखें, मिडिल फिंगर को नोज के ऊपर रखें, रिंग फिंगर को अपर लिप के ऊपर रखें और लिटिल फिंगर को लोअर लिप के नीचे रखें और फिर नासिका से श्वास को भरें। नासिका से श्वास को भरने के बाद हमिंग साउंड के साथ भ्रंवर के समान गुंजायमान करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। ये प्राणायाम स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन को दूर करने में बहुत ही लाभदायक है। सूर्यभेदी प्राणायाम, इस प्राणायाम को किस तरह से करेंगे? आपको अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनानी है, फिर अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से क्लोज करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे अपने थंब से और लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो सूर्यभेदी प्राणायाम को करते समय ये आपको याद रखना है कि आपको केवल राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। ये प्राणायाम आपके शरीर में ऊष्मा को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है, तो सर्दी के मौसम में ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। आपके डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव रखने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है। सर्दी, जुकाम जैसी समस्याओं में सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। अगला प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम किस तरह से करेंगे? अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। इस बार आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल। बाएं नासिका छिद्र से श्वास भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। तो इसमें केवल आपको लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल करना है, इसमें आपको राइट से इनहेल नहीं करना है। तो ये प्राणायाम आपके मन को शांत करने के लिए, शरीर में शीतलता को बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। अगला प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम, जिसको कि हम चैंटिंग ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इस प्राणायाम को किस तरह से करते हैं कि आप नासिका से श्वास भरें और ओमकार के उच्चारण के साथ श्वास को बाहर छोड़ें। नासिका से नॉर्मल ब्रेथ, लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे और ओमकार की चैंटिंग करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, बुद्धि की तीक्ष्णता को बढ़ाने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। योगाभ्यासों में प्राणायाम उतना ही महत्वपूर्ण है कि जितने की आसन है। प्राचीन योग विज्ञान हमें सिखाता है कि जो हमारी श्वासें हैं वो हमारे शरीर और हमारे मन के बीच में संबंध स्थापित करती हैं। तो अपनी श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त करके हम अपने समग्र स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। योग में जो एक प्राणायाम का बहुत अच्छा तरीका है, जिसको कि हम उज्जायी प्राणायाम बोलते हैं, जिसको कि हम ओशियन ब्रीदिंग भी बोलते हैं, इसका अभ्यास हम अपने गले में संकुचन करके नासिका से श्वास को भरते हुए करते हैं। तो इस अभ्यास को जब हम करते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो समुद्र के समान उत्पन्न होती है, इसलिए इस प्राणायाम को ओशियन ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में सीधे बैठ जाएं और फिर जब नासिका से श्वास भरें, उससे पहले अपने गले को थोड़ा संकुचित कर लें या कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो जब आप श्वास भरेंगे तो वो श्वास आपके कंठ से, आपके गले से घर्षण होते हुए जाएगी और इसी तरह से जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो वो श्वास भी घर्षण होते हुए आपकी नासिका से बाहर जाएगी। इस अभ्यास से हमारी श्वासें जो हैं स्लो हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं और हमारी श्वासें बहुत ही कंट्रोल वे में निकलती हैं। उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करने में बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ साथ ये हमारे ध्यान को और हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को भी बढ़ाता है। और यदि आप आसनों का अभ्यास करने से पहले उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास कर लें
तो ये वार्म अप के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप योगाभ्यास करते समय, आसनों को करते समय, उस समय पर भी अगर उज्जायी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लाभदायक है, आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप योगाभ्यास करते समय हुए भी उज्जायी ब्रीदिंग करते हैं या उज्जायी श्वसन करते हैं तो आप उसका लाभ अपने ओवरऑल हेल्थ पर, अपने समग्र स्वास्थ्य पर देख सकते हैं। योग में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्राणायाम हैं और उनके अद्वितीय लाभ हैं। तो आज हम अगले जिस प्राणायाम पर ध्यान देने जा रहे हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध प्राणायाम है और बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको सीधे बैठकर अपने दोनों कानों को अंगूठों से बंद करना है, इंडेक्स फिंगर आंखों के ऊपर रखनी है, मिडिल फिंगर को नोज के ऊपर रखना है, रिंग फिंगर को अपर लिप के ऊपर रखना है और लिटिल फिंगर को लोअर लिप के नीचे रखना है, और फिर नासिका से श्वास भरेंगे और भ्रवर के समान गुंजायमान करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हमारे तनाव को दूर करने के लिए, हमारे मन को शांत करने के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और हमारी निद्रा को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में सिर, गर्दन व कमर को एक सीध में रखते हुए बैठ जाएंगे और भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के समय जो भ्रवर के समान गुंजायमान आवाज निकलेगी, पूरा ध्यान उसी पर लगाएंगे। इस अभ्यास को आप शवासन में लेटकर भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम आपके शरीर को और मन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपके तनाव को, आपके टेंशन को, आपके एंजाइटी को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है, तो इसलिए इस प्राणायाम का आप डेली अभ्यास करें।